हाँ भाई, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं 301 नंबर क्वेश्चन से। तो 301 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राशिद खान जो हाल ही में टेस्ट क्रिकेट के सबसे युवा कप्तान बने, उनका संबंध किस देश से है? अफगानिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किस योजना के लिए दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वच्छ भारत मिशन। अगस्त 2019 में जीडीपी के आधार पर भारत की रैंकिंग है, कितनी रैंकिंग है? सातवीं रैंकिंग। असम के एनआरसी की अंतिम सूची जारी की गई, जिसमें कितने लोगों को असम का गैर नागरिक घोषित किया गया है? लगभग 29 लाख। हाल ही में किस देश में महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए उन्हें सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई? सऊदी अरब। हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की घोषणा की गई, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 78 है। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? मेलबर्न। VIS वीजा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? पीवी सिंधु को। निम्नलिखित में किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया? अकीरा योशिनो। धर्म गार्जियन 2019 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत एवं जापान के मध्य कहाँ किया गया? मिजोरम। अंतरिक्ष में स्पेस पॉक करने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताएं जिसका हाल ही में निधन हो गया। इलेक्शन लियोनोव। हाल ही में नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी की गई, जिसमें प्रथम स्थान बिरुधुनगर को मिला, इसका संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु। हाल ही में वन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने एक छात्र एक वृक्ष योजना प्रारंभ की? मध्य प्रदेश। विश्व के सबसे बड़े अंडर वन रूफ हवाई अड्डे टर्मिनल का निर्माण किस देश में किया गया? तुर्की। 13वें एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो नोम पेन, कंबोडिया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2018 के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त सभी कथन सही है। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। इस सूची में शीर्ष स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ। इस सूची में भारत का स्थान 108 रहा। सभी सही है। हाल ही में नासा ने सौरमंडल के किस ग्रह के बारे में
अध्ययन रिपोर्ट में जारी करते हुए कहा कि इसका कोर ठोस है। बृहस्पति, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2019 का थीम क्या था? हमारी जैव विविधता, हमारा स्वास्थ्य, हमारा भविष्य। आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र की भागीदारी है 62.3%। उत्कर्ष 2022 योजना किसके द्वारा शुरू की गई? भारतीय रिजर्व बैंक। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? बिहार। संतोष ट्रॉफी 2019 का खिताब किसने जीता? सर्विसेज। हाल ही में दिव्यांगों के लिए देश का पहला दिव्यांग समाचार चैनल कहां शुरू किया गया? सूरत में। हॉकी विश्व कप 2018 पुरुष का खिताब बेल्जियम ने किस देश को हराकर जीता? नीदरलैंड। विश्व के दूसरे एवं भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने? डी गुकेश। सावरकर इचोस ए फॉरगॉटेन पास्ट के लेखक कौन हैं? विक्रम संपत। किस योजना के तहत देश में 100 क्लस्टर बनाने की घोषणा आम बजट 2019-20 में की गई? SFURTI। निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य की नेशनल पीपल्स पार्टी को 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया गया? मेघालय। किस अभिनेता को वर्ष 2018 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? अमिताभ बच्चन। द थर्ड पिलर के लेखक निम्न में से कौन हैं? रघुराम राजन। US ओपन 2019 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? बियांका एंड्रीस्क्यू। मई 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किन दो देशों को आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? मलेरिया मुक्त अल्जीरिया, अर्जेंटीना। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? बोरिस जॉनसन फ्रांस के राष्ट्रपति, गलत है। कासिम जोमार्त टोकायेव कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। नाइव बुकेले अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति। तिजानी मोहम्मद बंदे UNO के 74 में महासभा अध्यक्ष। भारत में बाघों की स्थिति 2018 रिपोर्टों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? अब भारत विश्व की 50% बाघों की आबादी वाला देश है, गलत बात। भारत में कुल बाघों की संख्या 2967 हो गई है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 है। वर्ष 2014 से 18 में भारत में बाघों की संख्या में 33% की वृद्धि हुई है। ओके। ICC क्रिकेट विश्व कप भारत मीन्स 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत वाला बताना है। रिपीटेड क्वेश्चन।
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में बेन स्टोक्स को चुना गया। इस विश्व कप का आयोजन इंग्लैंड तथा वेल्स में किया गया। इस विश्व कप में कुल 10 टीमों ने भाग लिया। सही बात है, इंग्लैंड ने यह खिताब पहली बार जीता। सही बात है बाबू, पहली बार जीता है। 337 नंबर, जुलाई 2019 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में भारत का स्थान है 52वां। जुलाई 2019 में किस राज्य के स्कूलों में हैप्पीनेस उत्सव की शुरुआत की गई? नई दिल्ली। दिवांग बहुदेशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? राजीव कुमार। अगस्त 2019 को रमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा की गई। इसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? वर्ष 2019 के लिए कुल 3 विजेताओं के नाम घोषित किए गए। गलत है। पत्रकार रवीश कुमार को इस वर्ष यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार की शुरुआत 1957 में की गई। इसे एशिया के नोबेल के रूप में भी जाना जाता है। 6 निजी औद्योगिक और कारखानों में स्थानीय लोगों हेतु नौकरियों का आरक्षण करने वाला देश का पहला राज्य है? आंध्र प्रदेश। सेव ग्रीन स्टे क्लीन जागरूकता अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? 343 पश्चिम बंगाल। पूर्वोत्तर भारत में पहली बार 22वें ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? मेघालय। अगस्त 2019 में किस देश में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर पाबंदी लगाई गई? नीदरलैंड। अब्दुल्ला हमदोक को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? सूडान। 5वें आर्मी स्काउट प्रतियोगिता 2019 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं। इसका आयोजन जैसलमेर राजस्थान में किया गया था। सही बात है। इसमें कुल 8 देशों ने भाग लिया। इस भारत इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहा। 348 हाल ही में किस भारतीय को गिनी का सर्वोच्च पुरस्कार नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया गया? रामनाथ कोविंद। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2019 का थीम था ट्रांसफॉर्मिंग एडुकेशन। तमिलनाडु सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस वैज्ञानिक को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? K. Sivan। भारत के किस राज्य में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा देश के पहला स्पेस पार्क स्थापित किया जाएगा? केरल। मार्च 2019 में युवा श्री अर्पण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? पश्चिम बंगाल। भारतीय थल सेना द्वारा भारत के किस नदी पर मैत्री ब्रिज का निर्माण किया गया? सिंधु। हाल ही में पिनाकी चंद्र घोष को भारत के प्रथम लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल होगा 5 वर्ष या 70 वर्ष आयु। हाल ही में नामवर सिंह का निधन हो गया जिनका संबंध है साहित्य से।
वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इस सूचकांक में भारत का स्थान 41 है। वज्र प्रहार भारत एवं अमेरिका के मध्य संचालित होने वाला कौन सा अभ्यास है? थल सेना। विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 फरवरी को। हाल ही में चर्चा में रहा जुकू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? नागालैंड। जोस्ना चिनप्पा का संबंध किस खेल से है? स्कैश। किस राज्य में भारत के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया? राजस्थान। UNDP के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे तेजी से गरीबी हटाने वाला राज्य कौन है? झारखंड। मई 2019 में ओरछा शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की स्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह शहर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली HIV संक्रमित पर्वतारोही कौन बने हैं? गोपाल श्रेष्ठ। निम्नलिखित में कौन सा कथन वर्तमान में असत्य है? मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर गलत है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमी मंत्री नितिन गडकरी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। जून 2019 में सुर्खियों में रहा बांचा गांव भारत का पहला सौर किचन गांव घोषित हुआ का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किसके द्वारा 29 कार्यक्रम की शुरुआत की गई? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में अग्रणी राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। भारत के सबसे बड़े डबल डेकर पुल फ्लाईओवर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? सारण जिला में। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध किस राज्य सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई? बिहार। पीवी सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का खिताब किसे हराकर जीती? नोजोमी ओकुहारा। वैश्विक स्पर्धा विश्व यूनिवर्सिटी खेल में 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? दूती चंद्र। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2019 में भारत का स्थान क्या रहा? छठा। वर्तमान भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत केंद्रीयकृत बैंक है? 12। हाल ही में दिन में हॉक एडवांस जेट विमान युद्धक विमान उड़ाने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? मोहना सिंह। इंडिया ड्रोन महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून। वर्ष 2019
2019 का नाइन डॉट्स प्राइज पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? एनी जैदी। सिम्बैक्स सिम्बैक्स 2019 का संबंध है। भारत और सिंगापुर के बीच नौसेना अभ्यास 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? हांगझोऊ चीन। जून 2019 में कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय ने धोखाधड़ी के बढ़ते मामले से निपटने के लिए स्वचालित डाटा विनियमन हेतु किस संस्था का या देश के साथ समझौता ज्ञापन मऊ पर हस्ताक्षर किए हैं? SEBI सेबी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में जारी हैंडबुक स्टेटिस्टिक्स 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहां महिलाओं की औसत आयु पुरुषों की औसत आयु से कम है, बिहार। हाल ही में समय में चर्चा में रहा कंबाला त्यौहार भैंसा दौड़ का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? इसमें तो बिहार है ये नहीं है, कर्नाटक में भैंसा दौड़। अप्रैल 2019 में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में जुजाना कैपुतोवा किस देश की महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? 383 नंबर का हो जाएगा, स्लोवाकिया। किस देश ने हाल ही में विकिपीडिया के सभी संस्करणों पर प्रतिबंध लगा दिया है? चीन। हाल ही में किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का जारी किया है? ब्रिटेन। वर्ष 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश के प्रधानमंत्री को प्रदान किया जाएगा? इथियोपिया। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में पहाड़ी युद्ध अभ्यास हिम विजय का आयोजन किया गया? अरुणाचल प्रदेश। अक्टूबर 2019 में कौन सी सोशल मीडिया कंपनी ने आदिवासी महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए डिजिटल बेटी अभियान शुरू करने की घोषणा की? फेसबुक। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मां और नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्व स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने हेतु किस योजना का शुभारंभ किया? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा हाल ही में ध्रुव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य है प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी पूरी क्षमता का आभास कराना। हाल ही में किस से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का नया CEO नियुक्त किया गया? पंकज कुमार। विश्व बैंक द्वारा जारी की और बिजनेस रैंकिंग में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? न्यूजीलैंड। जनजातीय क्षेत्र की महिलाओं को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस सोशल मीडिया संस्थान ने प्रमाण गोल लॉन्च किया? फेसबुक। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है कोयला आपूर्ति की
मॉनिटरिंग करना, भारत में किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का नया आधार वर्ष क्या है? वर्ष 2012। भारतीय थल सेना के पूर्व प्रमुख जनरल दलवीर सिंह सुहाग को किस देश में भारत के नए उच्चायुक्त बनाया गया? सेशेल्स। किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायेद पदक से सम्मानित किया गया? जायेद पदक संयुक्त अरब अमीरात से। वेनेजुएला के राष्ट्रपति के पद पर जनवरी 2019 में किसने शपथ ली? निकोलस मादुरो। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन है? अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। दोस्तों, ये था आपका चौथा नंबर वीडियो। इसमें हम लोगों ने 400 क्वेश्चन तक क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ। इसी तरह से वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। सारे के सारे आप प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।